अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर बटर ग्रेवी। आइए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले एक बाउल में मैं डालूंगी एक बाटी दही। अभी मैं इसमें डालूंगी 2-3 स्पून तक के फ्रेश क्रीम और इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच काली मिरी पाउडर, 1 चुटकी नमक। अभी हम क्रीम और दही को अच्छे से मिक्स करेंगे। दही और क्रीम अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अभी मैं इसमें डालूंगी 1/2 किलो पनीर। पनीर को मैंने ऐसे टुकड़ों में काट दी हूँ, उसको मैं दही में डाल दूंगी। अभी हम इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। सारे पनीर को हम दही लगाएंगे। देखिए दही में पनीर अच्छे से मिल चुका है। अब हम मसाला बनाने की तैयारी करेंगे। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी हूँ। इसमें डालूंगी 1 चम्मच बटर। अभी मैं इसमें डालूंगी 2 मोटे कटे हुए प्याज। अभी हम इसको हल्का सा नरम होने तक के पकाएंगे। प्याज नरम होने के बाद मैं डालूंगी 2 मोटे कटे हुए टमाटर। साथ में मैं डालूंगी 5-6 काजू, 5 बादाम और टमाटर को भी हम नरम होने तक के पकाएंगे। देखिए टमाटर नरम हो चुके हैं। अभी मैं गैस को बंद करके इसको ठंडा करके पीस लूँगी। अभी हम पनीर को फ्राई करेंगे। उसी कढ़ाई में मैं 1 चम्मच बटर डालूँगी। अभी हम कढ़ाई में पनीर को रख देंगे। अभी हम इसे लाल होने तक के फ्राई करेंगे। अभी हम इसको पलट लेंगे। हमारे सारे पनीर फ्राई हो चुके हैं। अभी मैं इसको प्लेट में निकालूंगी। इसी तरह हम सारे पनीर को फ्राई कर लेंगे। देखिए सारे पनीर हमारे फ्राई हो चुके हैं। अभी हम कढ़ाई में 2 चम्मच बटर डालेंगे। अभी हम पिसा हुआ मसाला डालेंगे। अभी हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे। मसाले को थोड़ा भूनने के बाद मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अभी इन सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए मैंने 1 शिमला मिर्ची को चौकन टुकड़े में काटी हूँ और 1 प्याज को भी सेम ऐसे ही काटी हूँ। अभी मैं ये सब सारे चीज़ें मसाले में डाल दूँगी। मसाले को अब हम 5 मिनट और भूनेंगे। देखिए मसाला अच्छे से भूनकर हो चुका है। जो दही में हमने पनीर भिगा कर रखे थे वो बची हुई दही को भी हम मसाले में डाल देंगे। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मैं इसमें 1/2 ग्लास पानी डालूंगी और डालूंगी नमक स्वाद के हिसाब से।
और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद में मैं इसमें ढक्कन लगाकर एक दो उबाल आने तक के पकाऊंगी। देखिए ग्रेवी में दो तीन उबाल आ चुका है, ये अच्छे से पक चुका है ग्रेवी। अभी हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए पनीर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके ऊपर डालूंगी कोथमीर और गैस को बंद कर दूंगी। माशाल्लाह पनीर बटर ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना पनीर बटर ग्रेवी कैसे बनी। अल्लाह हाफिज़।